हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ त्रिएक पिता परमेश्वर की आराधना करें। हम पूरे तन मन धन से हमारे बीच में पधारे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें। आइए हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आंगन में प्रभु यीशु का स्वागत करें और प्रभु से प्रार्थना करें, शक्ति मांगे कि प्रभु हमें इस रात्रि जागरण में अपना अनुभव कराए, हमें अपनी शक्ति से परिपूर्ण करे, हमारे दुख दर्दों को दूर हटाए, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे हर संकट को प्रभु दूर हटाए। आइए आज की इस प्रार्थना भक्ति में, रात्रि जागरण में हम अपने आप को उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु को समर्पित करें जिसके विषय में
नबियों ने धर्म ग्रंथ में पहले ही विवरण कर दिया था। और वही मुक्तिदाता अपने प्राणों को समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए गवा रहा है और क्रूस पर से हमें पुकार रहा है। प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने उसे छेदा है वे उसकी ओर देखेंगे। आज हम उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मन में, और विशेष रूप से आज की इस प्रार्थना भक्ति में हम उन तमाम भाई बहनों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें जो बीमार है, जो शैतानी शक्तियों के प्रलोभन में हैं, जो प्रभु से दूर हैं। आइए हम स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम उसी के द्वारा रचे गए हैं और प्रभु की स्तुति करना हर मानव का कर्तव्य है। जिस प्रकार आदम और हेवा को ईश्वर ने रचा और वह उनके साथ में घूमता था, उनसे बातचीत करता था, वही वरदान हम सभी को मिला है, जिससे कि हम उस प्यारे प्रभु को, उस ईश्वर को, उसके एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को हमारे दिल में स्वागत करते हुए भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक हम जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर खोलते हुए, पूरे मन को शांत करते हुए एक टक प्रभु को देखे, उस प्रभु को धन्यवाद दे। आज की इस परिस्थिति में उस प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वही हमारा सहारा है। उसके नाम से अंधों को रोशनी मिलती है, उसके नाम से लंगड़ों के पांव में ताकत आ जाती है, उसके नाम से ही गूंगे बोलने लगते हैं। हम उस परमात्मा खुदा के इकलौते पुत्र प्भु यीशु की स्तुति करें जो निरंतर हमारे साथ है, जो निरंतर हमें क्रूस पर से पुकारता है, बुलाता है। आइए हम पूरे तन मन से, पूरी शक्ति से उस प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम को भजे, जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम में हमें शक्ति मिलती है, जिस नाम के कारण हम सभी पापों से बचाए गए हैं। आइए हम आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु का नाम भजें। मुक्ति दिलाई सुनो, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुनो, शांति दिलाई सुना। आइए हम सभी पूरी शक्ति से, पूरे मन से उस प्रभु के नाम को भजे, क्योंकि वही शक्ति है, वही मुक्ति है। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई सुना। हाँ प्रिय भाइयों बहनों,
वह मुक्तिदाता प्रभु दया सागर है, कृपा सागर है। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वह निरंतर मनुष्य के हित के लिए कार्य करता रहा। आज हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें और उसका नाम भजें। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु ने चरनी में जन्म लिया, सूली पर कुर्बान हुआ और हम सभी के लिए बलि चढ़ गया। आइए उस नाम को भजते हुए पूरी शक्ति से उसका स्मरण करते हुए उसकी स्तुति करें और उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आज हम सभी पापी प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित हुए हैं। हम प्रभु यीशु के नाम को भजे, उसके नाम को बखान करते हुए उसके नाम को अपने जीवन में अपनाएं। वही नाम सभी नामों में श्रेष्ठ है। उस नाम पर हर घुटना टिकेगा और हर जुबां कहेगी कि यीशु ही मुक्तिदाता है। कृपा करना, हम है पापी निहार, हम है पापी निहार, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम अपने हाथों को खोलते हुए उस प्रभु के नाम को भजते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उस प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा करते जाएं। अपने कंठ को खोलते हुए हम जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए उस परमात्मा ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसकी स्तुति करते हुए उसकी आराधना करते हुए कि हाँ प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता प्रभु है, तेरे ही नाम में मुक्ति है। हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। अब हमारे परिवार में खुशियाँ लाइए प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के प्रकोप से, हर प्रकार के आक्रमण से आप हमारे परिवार को बचाइए। आप अपने स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, जिससे कि प्रभु हम निरंतर आपके सानिध्य में रहे, आपकी आराधना करते रहे, आपके सानिध्य से हमेशा आपकी परिपूर्णता में पनपते रहे। प्रभु जी आप हमें हर संकट से, हर बुराई से, हर विपत्ति से, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें। प्रभु जी हालेलुया 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 हमारे जीवन में आ जाइए, प्रत्येक परिवार में आ जाइए, जो कोई भी यहाँ पर प्रभु जी तेरे नाम पर एकत्रित है, तेरे प्रेम से भर जाए, तेरी अनुकंपा से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। प्रभु जी अपनी शांति से परिपूर्ण कर दे प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों को खोल दे प्रभु जी, जिससे ये तेरी निरंतर स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा गा सके। प्रभु जी इनके सारे मतभेदों को प्रभु जी, परिवार में जो भी संकट है प्रभु जी, आप उनको प्रभु जी मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु जी आज तेरा वंदन करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति
नहीं करते हैं, हम तेरा नाम लेते हुए प्रभु जी तेरे नाम में विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, वह नाम जो सभी नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु जी तेरे पावन नाम के नीचे रखते हैं प्रभु जी, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी तेरे पावन नाम के नीचे रखते हैं जो बुरी आदतों में हैं, जो पूरे प्रकार के संकटों में फंसे हुए हैं, जो चिंतित है, व्याकुल है, विचलित है, परेशान है, और जो अपने आप को प्रभु जी अंत करना चाहते है, जो परेशान है, काफी चिंतित है प्रभु जी, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु जी आपके शीर्ष चरणों में समर्पित कर दो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि तेरे नाम में वो सामर्थ्य है, तेरे नाम में वो ताकत है जिससे कि हर प्रकार की शैतानी शक्तियां दूर हो जाती है प्रभु जी। हम तेरे नाम में विश्वास करते हुए तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए पूरे विश्वास के साथ में उस प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 नवाजते हैं, तुझे पुकारते हैं प्रभु जी कि तू ही एक महान प्रभु है जो हमें समझता है, जो हमारे हृदय में निवास करता है प्रभु जी, तू हमारे साथ है प्रभु जी, हम तुझ में विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए शांतिपूर्वक उस प्यारे प्रभु के नाम को भजें, अपने दिल से उस प्रभु को पुकारे। यह प्रार्थना एक शो के माध्यम से नहीं है, बल्कि उस खुदा को पुकारने का एक साधन है जिसे हम आज के इस परिस्थिति में नहीं देख पा रहे हैं। किसी ना किसी कारणवश हम प्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमें सबको जो हमें देख रहे हैं एक साथ होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करनी है, और इस रात्रि जागरण के माध्यम से हम सभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम उस प्रभु में विश्वास करते हुए एक साथ, एक हृदय, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में जिस प्रकार प्रभु के विश्वासी भाई बहन प्रार्थना करते थे, आइए हम जहां कहीं पर भी हो अपने आप को तैयार करें और अच्छे से इस रात्रि जागरण में भाग ले, जैसे कि हम उस खुदा को जो निरंतर हमारे साथ है, जो जीवित है, पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, उसका आह्वान करें, उसको महसूस करें, उसको अपने दिल से पुकारे, और हमारी जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उस प्रभु को समर्पित करें। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के वचनों को सुन पाए। हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए फादर जो भी आनंद को आमंत्रित करते हैं कि फादर जो भी आनंद आए और हम सभी को प्रभु के वचनों से लाभान्वित करे और हमें प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु के पास ले जाए।
हम अभी तक प्रभु की आराधना करते रहे हैं, उनकी आराधना स्तुति एवं जय जयकार करते रहे हैं। आइए इस वक्त हम प्रभु के वचनों पर और विशेष रूप से इस अवसर पर इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रभु के वचनों को सुनने की एवं उन्हें समझने की कोशिश करें। आज के मनन के लिए मैं गणना ग्रंथ से एक पाठ लेना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं इस पाठ के बारे में आप सबों से मेरे सोच साझा किया हूं। तो यह जरूरी है कि इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रभु जो हम सबको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से लेकर होर पर्वत से वे एदोमियों के देश किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुन बनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहां मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए? यहां ना तो रोटी मिलती है ना पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांपों को भेजे और उनके दंश से बहुत से इसराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुन बुनाए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगवाओ, जो सांप द्वारा काटा जाएगा वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। अब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। हम जानते हैं प्यारे मित्रों, इसराइली जनता प्रभु के चुनी हुई प्रजा थी। सारे विश्व में अपने पुत्र को एक जनता से बीच में से लाने के लिए उत्पत्ति से लेकर ईश्वर ने एक चुनी हुई प्रजा को तैयार किया था। इसराइली जनता इसी प्रकार चुनी हुई एक प्रजा थी और यह प्रभु के लिए काफी खास था और है, क्योंकि उनमें से प्रभु को अपने पुत्र को भेजना था, यीशु का आगमन होना था। इस जनता को ईश्वर तैयार करते हैं, हर समय उनके साथ चलते हैं, हर समय उनका पदभार संभालते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और उनके साथ सदा संग चलते हैं। लेकिन इस प्रकार की एक जनता के बीच में ईश्वर विषैले सांपों को भेजते हैं जिसके सर्प दंश द्वारा अनेक लोग मारे जाते हैं। यहां पर एक बात आपको समझने का है, यह जनता वही है जो ईश्वर के लिए बहुत प्रिय था। यह लोग वही थे जो प्रभु ने चुना था, लेकिन इस चुनी हुई प्रजा के बीच में विषैले सांपों को ईश्वर भेजते हैं और उसके काटने से अनेक लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वह ईश्वर के विरुद्ध
और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाए थे, कारण था। आज हमारे देश में, सारे विश्व में कोविड से हम सभी परेशान हैं। इस कोविड के परिप्रेक्ष्य में क्या ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कोई संदेश देना ही चाहते हैं कि ये विपत्ति यूं ही इस दुनिया में आ पड़ी, ऐसा हम समझते हैं? ऐसा नहीं है। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ते भी नहीं हिल पाते हैं। अगर ऐसा है तो इस विपत्ति इस विश्व में अगर आ पड़ी है, उसके लिए भी ईश्वर की अनुमति हुई होगी, तभी यह इस विश्व पर आ पड़ी है। और यह बहुत कुछ संदेश हमें सब देना चाहते हैं। वो क्या संदेश हो सकता है प्यारे मित्रों? हम सभी भयभीत हैं, अनिश्चितताओं में जीते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, हम में से किस बीमारी लग सकती है, अनेक चिंताएं हमें हर समय सताते हैं। पहले बहुत सारी चिंताएं थी, अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी हमारे मन और जहन में यही विचार चलता है कि मैं जब बाहर जाऊं, नौकरी के लिए जाऊं, क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या मैं बीमार पड़ सकता हूं, मेरे परिवार के लोग बीमार पड़ सकते हैं? ये सारी चिंताएं हम सबको हर समय सताते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह सोचना समझना जरूरी है कि अगर ये ईश्वर की अनुमति से इस विश्व पर आ पड़ी है, तो प्रभु क्या संदेश इस विपत्ति के द्वारा हम सबको देना चाहते हैं? क्यों वह इस दुनिया में इस विपत्ति को आने दिया? अकारण यह आने दिया होगा? ऐसा सोचना शायद सही नहीं होगा। कोई तो कारण होगा, तब जाकर इस विपत्ति हमारे विश्व में आ पड़ी है। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। प्यारे मित्रों, कुछ जो मेरे रिफ्लेक्शंस मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहता हूं। हम अभी तक इस तरह जी रहे थे कि हम ही नायक हैं, हम सब कुछ निर्णय ले सकते हैं, कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन कैसे अपने जीवन बिताएगा, इसका सारा निर्णय हमारे हाथ में था, ऐसा हम सोचते थे। एक अगर इंडिविजुअल है नहीं, तो बड़े बड़े ताकतवर देश इस प्रकार सोचने लगे थे कि ये सारे विश्व का विधाता हम ही है, सब कुछ हमारे निर्णय के अनुसार होगा। लेकिन हम ये सच्चाई देखते हैं आजकल कि एक छोटा सा वायरस के सामने सारा विश्व बड़ा बेबस हो गया है, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, और कहीं कहीं अपने हाथों से सब कुछ चला जाता हुआ देखने को लगे हैं। बड़े ताकतवर देश जो कभी यह नहीं सोचता था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध इस दुनिया में कुछ हो सकता है, ऐसे देश भी इस छोटा सा वायरस के सामने बेबस होते हम देखते हैं। मनुष्य की सुप्रीमसी पर यह सवाल किया है। यही हम सोचते थे कि इंसानी सब कुछ है, हम सब कुछ आविष्कार कर सकते हैं, सब कुछ हमारी मुट्ठी में। लेकिन ये वायरस ने ये हकीकत हमारे सामने लाकर खड़े किए हैं, एक छोटा सा वायरस हमारी दुनिया को किस तरह बर्बाद कर सकते हैं, पूरे विश्व को ये थमा दिया है। पिछले 2-3 महीने से हम यही बात को देखते हैं, सारे विश्व के सारे राष्ट्र थम गए हैं, सारी मानव जाति डरासा हुआ है, सहमा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कभी हम 3 महीने या 4 महीने पहले नहीं कल्पना किए थे कि ऐसा भी एक दिन आज आएंगे, ऐसे एक दिन को हमें देखने को मिलेगा जहां पर सारा विश्व
सारे लॉकडाउन में चले जा सकते हैं, लेकिन आज हम इसको अनुभव करते हैं। हमारे देश में, सारे विश्व में यही स्थिति है। रफ्तार के पीछे दौड़ने वाली दुनिया आज रुकी हुई है। किसी के पास समय नहीं था, किसी के पास में किसी से बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, उनके साथ कुछ पल गुजारने के लिए समय नहीं था। हम दौड़ते रहते थे, रफ्तार के पीछे थे, लेकिन वो सारा रफ्तार आज रुक सा गया है। किसी को कोई जल्दीबाजी नहीं है, सबके पास भरपूर समय है। कुछ चीजें जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कुछ समय पहले तक, वो सारी चीजें आज हकीकत में हमारे सामने हैं। हम नहीं सोच पा रहे थे कि हम 2 महीने, 3 महीने, 1 किलोमीटर के फासले भी तय किए बिना जी सकते हैं। आज हम कमरों में बंद है, मकानों में बंद है, हमारे कॉम्पाउंड तक सीमित रहे हैं। बहुत कुछ हम हमारे जीवन में यूं ही सोचते थे, वो सब कुछ आज हमारे लिए बंद है। प्रभु संदेश देना चाहते हैं, इतनी जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, इतने रफ्तार से चलने की कोई जरूरत नहीं है। हम जीवित हैं प्यारे मित्रों, इतने रफ्तार से न चलने के बावजूद भी हम जीवित हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम दूसरों के लिए समय दे भी दे तो भी हमारी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास में समय रहेगा, हमारी जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। इतनी जल्दीबाजी की हरगिज जरूरत नहीं है। अपनों के लिए समय निकाले, जो हमारे लिए प्रिय है, जो हमारे लिए खास है, जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम दौड़ते रहते हैं, उनके लिए अवश्य समय निकाले। प्रभु हम सबको ये पाठ सिखाते हैं, इतने तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, प्रथम पाठ। और उसी प्रकार हम सबको मृत्यु के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। इस COVID-19 के बारे में जब भी चर्चा चलती है, उसके साथ एक ग्राफ हम हर समय उसकी भी चर्चा होती है, यहां पर कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए और वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। एक हकीकत के बारे में हम जो सोचना नहीं चाहते थे, हम जो कल्पना नहीं करना चाहते थे, उसी के साथ जीने के लिए विगत कुछ दिनों में हम मजबूर हुए हैं। हम अक्सर ये नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं कि मेरे शहर में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, मेरे देश में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सारे विश्व में कितने लोग मारे गए हैं। मृत्यु हमारे सामने फिर से आ पड़ी है, जिसके बारे में हम कभी सोचना नहीं चाहते थे, वह हर समय हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह के स्वरूप सामने आने लगे हैं। विश्व अभी तक, यह संसार मृत्यु के बारे में कभी चर्चा नहीं करना चाहती थी। इस दुनिया में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस COVID-19 में हम अक्सर यही चर्चा करते हैं कि इस बीमारी के कारण मेरे शहर में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, मेरे देश में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, सारे विश्व में कितने लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु हकीकत है प्यारे मित्रों, ये बात हमारे सामने आई है। इसी प्रकार तीसरी एक बात जो मैं आप सबों के सामने साझा जो करना चाहता हूं, हम अक्सर यही सोचते रहते थे कि बहुत कुछ हमारी जिंदगी के लिए बहुत एवं बेहद जरूरी है, लेकिन विगत 2 महीने या 3 महीने हम सबको ये पाठ सिखाया है कि बहुत कुछ चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, वो हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी नहीं है। पार्टियों में गए बिना भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं, हमारे सबसे पसंदीदा भोजन
नहीं खाने से भी हमारी जिंदगी गुजर सकती है। हमें जो बहुत प्रिय था वो कार्य ना करने के साथ भी हमारा जीवन गुजारा हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 महीने या 3 महीने में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम सबके लिए एक ही बात थी, किसी भी हालत में हमें जिंदगी को बरकरार रखना है, जीना है, और जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, बेहद कम चीजों की जरूरत होती है। इसको हमने महसूस किया है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होना जरूरी नहीं है, बेहद कम लोगों से भी हमारी जिंदगी गुजर सकते हैं। ये पाठ भी हमने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सीखा है। कम संसाधनों के साथ में, कम कर्जे के साथ में, कम खाने के साथ में, कम एंटरटेनमेंट के साथ में हम जी सकते हैं। जो हमारे लिए मुमकिन सा नहीं था वो आज मुमकिन सा है। जिन चीजों के लिए हमें बहुत जरूरी ऐसा मालूम पड़ता था, उन तमाम चीजों की हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है पिछले महीने में। तो जब हम तंगी में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमारे पास में इतने संसाधन नहीं हुए होते हैं, तो हमेशा ये याद रखना, जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चीजों की जरूरत कदापि नहीं है, बेहद कम चीजों की जरूरत होती है, जो हमने विगत 2 महीने में महसूस किया है। काफी लोगों को भूख की परिभाषा भी समझ आया है। हमने हमारे शहरों में, हमने हमारे सड़कों में, हमने हमारे कभी कभी आसपास के इलाके में इस भूख को देखी है। यह भी जिंदगी की एक हकीकत है। हमने देखा है कि किस प्रकार गरीब मजदूर हमारे शहरों से गुजरते हुए, पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तय किए हैं। जिंदगी की यह दृश्य भी हमें देखने को मिला है। तो कभी कभी हमें यह महसूस हुआ है कि हम किस तरह अनुग्रहित है। इतनी पीड़ा तो मेरी जिंदगी में नहीं हुई है, इतना क्लेश तो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है। हम कितने अनुग्रहित हैं। और एक और बात को मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि यीशु के, ईश्वर के अनुमति के विरुद्ध इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। कोविड-19 भी अगर हमारे इस विश्व में आ पड़ी है, तो यह भी उनकी योजना और उनकी अनुमति के अनुसार ही है। अपने चहते लोगों के बीच में अगर ईश्वर विषैले सांपों को बेच सकते हैं और उसके लिए अनुमति दे सकते हैं, तो ये बात भी हमारी जिंदगी में जो गुजर रही है ईश्वर की अनुमति के अनुसार है। और हम आगे आज के वचनों में पढ़कर सुना कि इस समस्या का निदान भी ईश्वर से ही निकला है। विषैले सांपों को बेचने वाला ईश्वर एक शब्द मात्र से कह सकता था यह दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्प जो उनके बीच में आए थे लोगों को काटते थे। विष चढ़ जाना इतनी छोटी बात नहीं थी, लेकिन वे बच जाते थे। कांसे के सांप को बनवाओ और उसे टांग कर जो उस पर देखा जाएगा वह बच जाएगा। कोविड-19 को भी हम इस प्रकार एक विषैले सर्प के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी आपत्ति है। हालांकि हम जानते हैं कि यह बहुत बड़ा खतरनाक वायरस नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी भी हो सकती है। एक मामूली सा वायरस है जिसकी मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है नहीं है, जितना बताया जाता है 3% या 3 से कम प्रतिशत। केरल ने यह दिखाया है,
कि 1% से नीचे भी इसकी मोर्टालिटी रेट हो सकते हैं अगर ऐसा कोई वायरस आ जाए जिसकी मोर्टालिटी रेट 50% हो, 85% हो, 90% हो, हम कितने बेबस हो जाएंगे। तो इसलिए प्यारे मित्रों, अगर ये ईश्वर की अनुमति से इस दुनिया में आ पड़ी है तो इसका निदान भी उनके हाथ से आना है। वो हम सबको चेतावनी देते हैं फिर से प्रभु के पास लौट आने का। लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया था, क्षमा मांगा, तब जाकर ईश्वर ने उन पर रहम की। हम सबको भी शायद एक चेतावनी के रूप में ये हमारे सामने आए हैं। अगर हमसे गलतियां हुई हैं, एक जनता के रूप में, एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक मानव जाति के रूप में, ये वक्त प्रभु से क्षमा मांगने का है, उनकी ओर वापस लौट जाने का है, और तब इसका निदान भी उनसे ही आने वाला है। प्यारे मित्रों, जब हम COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रभु के संदेश को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उनकी इच्छा को जानने की कोशिश जब करते हैं, तो प्रभु यही हम सबको शायद सिखाना चाहते हैं कि ये जो आपत्ति विश्व पर आ पड़ी है, ये कुछ चेतावनी के साथ आए हैं, हम सबको कुछ बताने के लिए आए हैं। शायद ये समय आ गया है, शायद ये वक्त आ गया है कि हम सबको फिर से मनन चिंतन करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस लौट आने का। सारा संकेत उसी की ओर है, क्योंकि सारे विश्व डरा हुआ है। डरा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं, इस बीमारी से डरते हैं। सवाल जो हम कभी करना नहीं चाहता था, सवाल जो जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते थे, वही आज की चर्चा है। तो प्रभु हम सबको कुछ सिखाते हैं। ये कुछ जो है मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन से कि हम सबको समय हमारे प्यारे मित्रों के लिए, हमारे अपनों के लिए निकालना जरूरी है। हमारी इस दुनिया वापस लौट आने में शायद कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जब हम पुरानी स्थिति में वापस पहुंचेंगे, फिर से हमारे विश्व इस प्रकार की एक महासंकट से ना गुजरे, उसके लिए इन चीजों की हम हर समय हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। इतने दूर भागने की जरूरत नहीं है, इतने तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी रफ्तार से हमें जिंदगी को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम पाठ, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए दुख का विषय है, हमारे लिए हमारे नींद खराब करने का विषय है। बहुत कम चीज है जो हमारे लिए जरूरी है, उस पर हम ध्यान रखें। और उसी प्रकार ये बात को भी हम ध्यान रखें कि यह समय प्रभु हम सबको हमारे लिए एक पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर वापस लौट आने का समय के रूप में दिया गया है। मृत्यु हम सबकी होनी है, हम में से कोई भी, ना मैं ना आप, कोई भी कितना भी बड़ा कौक क्यों ना हो, मृत्यु से नहीं बच सकता है। आज नहीं तो कल अवश्य हमें इस दुनिया से जाना है, और हमारी जीवन की लीला इस दुनिया तक सीमित नहीं है। अगर हमारी जीवन की लीला हमारे इस दुनिया तक सीमित नहीं है, आगे भी हो सकता है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। प्रभु चेतावनी लेकर इस बीमारी को हमारे बीच में भेजा है। मनन करें, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर वापस लौट आए। आमीन।
प्रकाश करके नवीन कर दे, और तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके स्पर्श के लिए। आज जितने भाई बहन आपकी आराधना में प्रभु उपस्थित हुए हैं, चंगाई के लिए उपस्थित हुए हैं, इस चंगाई भरे आराधना में प्रभु उन सभी को अपना स्पर्श करा दे, अपने हाथों से प्रभु उन्हें छू कर स्पर्श कर, ताकि आपके स्पर्श से प्रभु वे चंगे हो जाए। आपके हाथ से छूने मात्र से प्रभु वे चंगे हो जाए, आपको देखने मात्र से प्रभु वे सभी चंगे हो जाए। आज उन सभी भाई और बहनों को प्रभु शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि वे आपको स्पर्श कर सके। उनके हाथ स्पर्श है, उनका शरीर प्रभु शुद्ध नहीं है, उनका हाथ शुद्ध नहीं है, उनकी आत्मा शुद्ध नहीं है। प्रभु आज स्पर्श कर, और स्पर्श करते हुए उन सभी को प्रभु चंगाई से भर दे, कृपाओं से भर दे, अपने विशेष अनुग्रह से भर दे। जी हाँ प्रभु, क्योंकि आज आप सभी को स्पर्श करने जा रहे हैं, सभी को चंगाई देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका चंगाई भरा हाथ जिस किसी को छुआ है प्रभु उसे स्वास्थ्य लाभ हुआ है। आज इन सभी भाई और बहनों को आपके श्री चरणों में उठाते हैं प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जी हाँ प्रभु, आइए और सभी का स्पर्श कीजिए। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो न आया मेरे प्रभु, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सूना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सूना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्वामी। जी हाँ प्रभु, आज बहुत सारे भाई बहन अपनी आंखों से तुझे देख रहे हैं, तुझे निहार रहे हैं, वे अपनी आंखों से आज आपका स्पर्श करना चाह रहे हैं, उनकी आंखें आज प्रभु आप पर टिकी हुई है, विश्वास से प्रभु वे आपकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि वे मन में सोच रहे हैं प्रभु कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। जी हाँ प्रभु, उनके हृदय की बात को तू सुन ले, उनके मन की जितनी परिकल्पना है प्रभु उन सभी को तू स्वीकार कर, उनके जीवन में प्रभु जितने भी सपने उन्होंने देखे हैं प्रभु उन सपनों को पूरा कर, क्योंकि प्रभु आज सभी भाई बहन आपकी ओर देख रहे हैं, स्पर्श करना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं,
आज इस परिस्थिति में प्रभु, जब हर एक भाई बहन अपने घरों में है, बहुत से बीमार हैं, पीड़ित हैं, महामारी से ग्रस्त हैं, प्रभु उन सभी को चंगा कर, उन सभी को प्रभु ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे आपका स्पर्श कर सके, उनका हृदय मन शुद्ध कर दे प्रभु, उन्हें आंतरिक रूप से चंगाई दे, उन्हें बाहरी रूप से चंगाई दे। जी हाँ प्रभु, आप सभी के हृदय को चंगा करने वाले हैं। मन में जो ग्लानी है, मन में जो विचार है, मन से जो बुरी बातें निकलती हैं, हृदय से जो बुरी भावना निकलती है, उन सभी को चंगा कर, क्योंकि प्रभु आपके रक्त के द्वारा, आपकी पवित्र ज्योति के द्वारा, आपके पवित्र प्रकाश के द्वारा प्रभु हमारा मन उज्जवल हो जाए, हमारा शरीर पवित्र हो जाए, हमारा हृदय मन में प्रभु आपकी ज्योति चमक उठे प्रभु। हे प्रभु, उसी स्पर्श को छूने के लिए, आपको अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु आज हम तरस रहे हैं। आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु आपको छूना चाह रहे हैं, आपका स्पर्श करना चाह रहे हैं प्रभु। आज प्रभु उनके हृदय में, उनके मन में प्रभु, उनके परिवार में प्रभु आपका स्पर्श हो, और जो भी बाधाएं हैं प्रभु, शैतान ने जितने बंधन बांध रखे हैं प्रभु, उन सभी बंधनों को तोड़ दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ प्रभु, आज मैं इन सभी भाई और बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ, आज मैं इन सभी भाई और बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ जो आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं प्रभु, जो आपको निहार रहे हैं, जो आपको स्पर्श करना चाह रहे हैं, अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, जी हाँ प्रभु उन सभी को स्पर्श करने दीजिए। जी प्रभु स्पर्श करने दीजिए। आइए प्रभु हम सभी का स्पर्श अपने पवित्र हाथों से करिए, अपने पवित्र शरीर से करिए, अपने पवित्र रक्त से करिए, ताकि प्रभु हर एक बीमारी, हर एक प्रकार के शैतानी जाल प्रभु हमारे घर से, हमारे परिवार से प्रभु दूर हो जाए। जी हाँ प्रभु स्पर्श कर। मेरे दिल का होना व्यर्थ है, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जी हाँ प्रभु हमें स्पर्श कर। प्रभु आपके पवित्र हाथों से जब जब आप स्पर्श करें, तब तक हमारे हृदय में, मन में प्रभु हर एक प्रकार की जो भावनाएं हैं प्रभु, जो हमारे भाई बहनों को दुख पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है प्रभु, जो भी विचार है प्रभु वह दूर हो जाए। जी हाँ प्रभु, प्रभु यीशु के नाम पर हर एक प्रकार की बीमारी आज दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधन आज टूट जाए,
प्रभु यीशु के नाम पर हर एक प्रकार के रोग दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम पर हर एक प्रकार की शक्तियां जो लोगों को परेशान कर रही है, कई लोगों को रात को सोने नहीं देती है, कई लोगों को रात में कई प्रकार के बुरे स्वप्न आते हैं, जी हाँ प्रभु आज आपके पवित्र नाम से प्रभु वह सारी बुरी शक्तियां दूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना मांग रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुन, उन सभी के परिवारों को स्पर्श कर, उन सभी के घरों को स्पर्श कर, उन सभी के हृदय को प्रभु स्पर्श कर, जी हाँ प्रभु बहुत सारे भाई बहनों के हृदय बहुत ही कठोर हो चुके हैं, कई वर्षों से वे प्रभु आपके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पवित्र मंदिर में नहीं आ पा रहे प्रभु, आज उन सभी बंधनों को तोड़ दे प्रभु, जी हाँ प्रभु क्योंकि प्रभु तो स्पर्श करता है उन सभी हृदयों को जो कठोर है, जो पत्थर के प्रभु ने तो पिघला देता है मोम के जैसे, जी हाँ प्रभु उन सभी की सारी परेशानियों को हर ले क्योंकि प्रभु तो स्पर्श करता है, अपने वचनों से स्पर्श करता है, अपने वस्त्रों से स्पर्श करता है, अपने हाथों से स्पर्श करता है, अपने जीवन से प्रभु तूने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, अपने कार्यों से प्रभु आपने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, अपने प्रेतों के द्वारा प्रभु आपने बहुत सारे भाई बहनों को स्पर्श किया है, आज जो भी प्रभु आपके वचन सुनाते उनके द्वारा आपने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, जी हाँ प्रभु स्पर्श कर क्योंकि प्रभु आप वह प्रभु हैं जो हमें स्पर्श करता है, हमें छू लेता है, हमें महसूस कराता है कि मैं जीवित प्रभु हूं, मैं तुम्हारे बीच में निवास करता हूं, जी हाँ प्रभु वही स्पर्श फिर से आज हमें करा, जब आप इस पृथ्वी पर प्रभु विराजमान हैं, आज हम सभी के बीच में हैं प्रभु, आइए प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने सभी कार्यों के द्वारा प्रभु आपने हमें स्पर्श किया है, जी हाँ प्रभु आज हम जब तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं चंगाई के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु वही आशीष हम सभी पर बरसाइए प्रभु, ताकि प्रभु हम फिर से स्पर्श हो जाए आपके पवित्र हाथों द्वारा, आपके पवित्र रक्त द्वारा, प्रभु आइए प्रभु हम सभी को स्पर्श कर, हम सभी को स्पर्श कर, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जी हाँ प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 में प्रभु आप एक कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देते हैं, ईसा पहाड़ी से उतरे एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया, उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। जी हाँ इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आज आपके जीवन में यही चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाए, आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाए, बहुत सालों के जो पाप छिपाए हुए हैं अपने आंतरिक हृदय में रखे हुए हैं
उन सभी से आप मुक्त हो जाएं, क्योंकि प्रभु आज आपको स्पर्श कर रहे हैं और उसी स्पर्श के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओ अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, जहां काम करते हो वहां पर भी शुद्ध हो जाओ। जिन भाई और बहनों के बीच में आप निवास करते हो, आपका परिवार शुद्ध हो जाए, आपके बच्चे पवित्रता का जीवन जिए, आपके बच्चों में पवित्र आत्मा विराजे और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रभु आपको भर दे, प्रेम में लिप्त कर दे, क्योंकि प्रभु का प्रेम अथाह प्रेम है, वही प्रेम जो अनंत काल तक बना रहता है, वही प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि प्रभु आज जिस प्रकार से इस कोड़ी को स्पर्श किए हैं, हम भी हमारे जीवन में कई प्रकार के घावों से ग्रस्त हैं, हम लोगों को दिखा नहीं पाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं लेकिन हृदय में, मन में, विचार में हम भी इस कोड़ी के समान हैं। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहन, आज प्रभु से कहिए कि प्रभु आज आपको स्पर्श करे, उसे स्पर्श के द्वारा प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे, उसे स्पर्श के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध करे, उसे स्पर्श के द्वारा प्रभु आपको फिर से नया जीवन, नया जन्म प्रदान करे। सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट जो नाया मेरे प्रभु, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सोना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे में कड़ा, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, जी प्रभु आप स्पर्श कर रहे हैं, हम सभी को स्पर्श कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को योग्य बनाएं कि प्रभु आज आपको स्पर्श करे, अपने पवित्र हाथों से प्रभु स्पर्श करे, कोई व्यक्ति नहीं लेकिन प्रभु स्पर्श करे, उसे स्पर्श के द्वारा आप भले चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु के नाम पर आप भले चंगे हो जाते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त द्वारा, पवित्र शरीर द्वारा आप भले चंगे हो जाते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र जल द्वारा आप भले चंगे हो जाते हैं। आज प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, उस स्पर्श को महसूस कीजिए, अपने आप को योग्य बनाइए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन अयोग्य हैं, अयोग्य रीति से बहुत बार परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अयोग्य रीति से बहुत बार अपने मन में विचार के द्वारा अपने आप को दोषी समझते हैं, फिर भी उसकी ग्लानी उनमें नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज आप उनके हृदय को स्पर्श कर, उनके मन को स्पर्श कर, क्योंकि प्रभु संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से लेकर हम पढ़ते हैं
कि जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जेरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से यह भाई अपनी बेटी के लिए कह रहा है, हे प्रभु आइए उस पर हाथ रख दीजिए और वह अच्छी हो जाएगी। आज अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रभु से कहिए कि प्रभु हाथ रख दीजिए और मेरा जीवन चंगाई से भर जाए, मेरे शरीर में जो बीमारियां हैं प्रभु वह बीमारियां समाप्त हो जाए, उनका नामो निशान मिट जाए। जी प्रभु, क्योंकि आज आप हम सभी को वही स्पर्श कराइए जो स्पर्श को प्रेतों ने महसूस किया। अपना पवित्र आत्मा भेजिए प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को स्पर्श कराइए, हम सभी को शुद्ध कराइए, हम सभी को एक नए जीवन की ओर ले जाइए, एक नए प्रकाश की ओर ले जाइए प्रभु, जहां पर हम आपके साथ में प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम नया जीवन प्राप्त करें। जी हाँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा को भेजिए। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को तैयार करें कि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी बीमारी में, अपने कष्टों में। आज हम सभी को जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने घर परिवार में, अपने खेत खलिहान में प्रभु को बुलाएं कि प्रभु आइए, सभी चीज़ों पर आपकी आशीष रहे, सभी को शुद्ध कर दे, हमारी जलवायु को शुद्ध कर दे, फिर से वही आग बरसा दे, फिर से वही श्वास फूंक दे प्रभु, ताकि प्रभु आजकल जो वातावरण बना हुआ है प्रभु वह फिर से शुद्ध हो जाए, फिर से पवित्र हो जाए। जी हाँ प्रभु, आइए प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए और हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। आ जाओ दिल में मेरे।
पवित्र आत्मा आइए, हमारे दिल में आ जाइए, हमारे मन में समा जाइए, क्योंकि प्रभु आज हर एक मानव, पूरी मानव जाति प्रभु आज आपको अपने दिल में बसाना चाहती है, आपको प्रेम से निहार रही है। जी हाँ प्रभु, आइए प्रभु इन सभी भाई और बहनों के जीवन में आ जाइए जो आज आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपकी उपासना में दिन रात लगे रहते हैं, मन ही मन आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु कब इस महामारी को दूर करेंगे। जी हाँ प्रभु, आइए प्रभु इनके मन के हृदय के विचारों को, कष्टों को दूर कीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, फिर से वह शांति प्रदान कीजिए, फिर से वह कृपा प्रदान कीजिए। आइए प्रभु हम सभी को पवित्र कीजिए। इसमें प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आगे बढ़ते हैं और एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वेदों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। वह महिला मन ही मन कहती थी कि यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। आज भी जो भाई बहन अपने मन में कह रहे हैं कि प्रभु मैं इतने दूर से ही आपको स्पर्श कर लूं, आपको देख लूं, और विश्वास कर रहे हैं कि जी हाँ प्रभु आज मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा, मेरा परिवार शुद्ध हो जाएगा, परिवार में जो भी तकलीफ है वह तकलीफ दूर हो जाएगी, तो आप विश्वास कीजिए। कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आपका विश्वास इसी रक्तस्राव से पीड़ित जो बहन थी उसके बराबर होगा। प्रभु आपको पवित्र करेंगे, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेंगे। प्रभु का वचन आगे कहता है, उसका रक्त स्त्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु के सामने आराधना में हैं, इस चंगाई में प्रभु आज आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु से हमेशा शक्ति निकलती है, प्रभु का सामर्थ्य निकलता है, और उसी सामर्थ्य से आज सभी भाई बहन चंगे हो रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, और प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, चंगा करेंगे। प्रभु आगे कहते हैं, उनके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु का वचन आगे कहता है, उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं
कि किसने मेरा स्पर्श किया, किसने मेरा स्पर्श किया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज पूछ रहे हैं कि किसने मेरा स्पर्श किया। वह स्त्री 12 वर्षों से पीड़ित थी, आज प्रभु आपसे ही पूछ रहे हैं कि किसने मेरा स्पर्श किया। विश्वास को सामने लाते हुए आज प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं, प्रभु के सामने खड़े हो जाएं और प्रभु से कहिए कि जी हाँ प्रभु, मैंने आज आपका स्पर्श किया है, आपको छू लिया है और आप चंगे हो जाएंगे। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को बुलाए ताकि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, चंगाई दे, आशीष दे, अनुग्रह दे और प्रेम से भर दे। जाओ दिल में मेरे, आ जाओ दिल में मेरे। जी हाँ प्रभु, हमारे दिल में आ जाइए, हमारे मन में समा जाइए, क्योंकि प्रभु जब जब आपका स्पर्श किसी ने भी किया, किसी ने भी आपको देखा, उसने चंगाई प्राप्त की है। जब जायरुस की बेटी मर गई थी, तब प्रभु उसके घर जाते हैं, प्रभु ने वहां पर लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुम, इसका अर्थ है ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आज बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं, परेशानी में हैं, घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं, बिस्तर में हैं, उन सभी को भी प्रभु अपने अनुग्रह से, अपने हाथों से उठा दीजिए। प्रभु आज का दिन उन सभी के लिए आपके स्पर्श का दिन रहे, आपके प्रेम का दिन रहे, क्योंकि प्रभु जिस तरह से संत थॉमस ने अविश्वास किया और प्रभु जब उन्होंने आपका स्पर्श किया तो वे आपके स्पर्श के द्वारा उनके अविश्वास को प्रभु आपने चंगा किया। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने एक जन्मांध को स्पर्श किया और वह चंगा हो गया। आज प्रभु आज आप सभी को चंगाई दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। आइए हम प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लेकर आए, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ प्रभु के सम्मुख कुशन मौन रहें। मन में हृदय में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उन सभी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने लेकर आए, क्योंकि प्रभु ने आज आप सभी को अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा चंगाई प्रदान की है। वही प्रभु हम सभी के साथ में रहता है। आइए अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखते हुए विशेष प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु ये सुने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु की आशीष ग्रहण करने के लिए। आप जहाँ कहीं भी हो घुटने टेक लीजिए, घुटने नहीं टेक सकते तो खड़े होकर प्रभु के सामने सर झुकाते हुए प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। जैसे